हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैप्सन ट्रिक एजुकेशन। आज इंग्लिश रा मॉक टेस्ट 11 को प्रैक्टिस करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 देखंथु। ए क्वेश्चन रे आपण मानकर डाउट थिला, डैश पाम ट्री इज जनरली वेरी टल। ऑप्शन ए बी सी डी। आपण माने कहुतले ऑप्शन सी द हबो। मैम देखंथु द हबो नै, काहेकि ना पर्टिकुलर मु कोनोसी एही पाम ट्री टी वेरी टल बोली कहिनी। जनरली साधारणत भाबरे सब पाम ट्री गुड़िक टल होता डेगा होता सब पाम ट्री कथा कह जाए ए आर्टिकल यूज हे। ओके, कौन सी जगार पाम ट्री कथा कह जाए जदि सेमती कौन सी पर्टिकुलर पॉइंट पाम ट्री कथा कह जाए द आर्टिकल यूज होता जेहेतु जेनेराली भेरी टल पाम ट्री गुड़िक साधारणत भाव भेरी टल बहुत डेगा होता से एठारे ए आर्टिकल यूज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सी इज अराइविंग ऑन मार्च डैश 25th। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आन, ऑप्शन सी डन, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। कौन सी डेट पूर्व मन रखिए कौन सी आर्टिकल बसी न था। सी इज अराइविंग ऑन मार्च 25th हे। ओके, मार्च 25th ता पूर्व कौन से आर्टिकल यूज हम ना, सो यार करेक्ट आंसर टेज ऑप्शन डी। एबे क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आज ही इज हार्ड वर्किंग ही विल विन डैश प्राइज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आन, ऑप्शन सी डन, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। जदि से हार्ड वर्क करिब ताहले से निश्चय कौन से एक प्राइज पाइब, ताहले कौन से एक प्राइज पाइब सेमती पर्टिकुलर प्राइज ए प्राइज पाइब कि से प्राइज पाइब बोली कही ना। क्वेश्चन कौन से पर्टिकुलर प्राइज विषय कही, जदि से हार्ड वर्किंग करुचे ताहले से कौन से एक प्राइज पाइब। पर्टिकुलर प्राइज विषय जेहेतु देनी सेथिपय एठारे ए आर्टिकल यूज हबो। ऑप्शन ए आन हबनी, ऑप्शन बी द हबनी। जदि डेफिनाइट कथा कहितांता ना ए प्राइज पाइब कि से प्राइज ताहले सेठारे आर्टिकल द्वार यूज हेतांता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। ए क्वेश्चन टी मु आपण मानकु होमवर्क देथिले, बहुत पिला मधे ठीक करछंती। ए फास्ट कार गोज फास्ट द अंडरलाइनड वाच ईच ए ऑर एन डैश। अंडरलाइन वर्ड आमे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बाछिबा। ऑप्शन ए नाउन हम भर्ब हम एडजेक्टिव हम ना एडवर्ब रही। देखो ता पूर्व कौन अच्छे गज ताले गज कौन गज हूँ गोटे भर्ब। भर्ब को क्वेश्चन करूँ किपर जाए गोज फास्ट जेहेतु ये फास्ट गज भर्ब को मॉडिफाई करुचे से ये हूँ गोटे एडवर्ब हो मानने क्रिया विशेषण। एडवर्ब मान कौन ओडिया आम जो पढ़ुंट क्रिया विशेषण क्रिया को ये विशेषित करुच्छे किपर जाए ना फास्ट जाए फास्ट मान बहुत जल्दी बुझिप द्रुत गति में जाए ए फास्ट कार गोज फास्ट। ऑप्शन ए बी सी एलिमिनेट होगा तेल ए फास्ट अर्थ होचे एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देछि स्टडी डैश यू विल फेल चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन। आम एठारे अप्रोप्रिएट कंजक्शन बसाइबा ए सिंपल क्वेश्चन देछि अप्रोप्रिएट कंजक्शन टे होइजबो ऑप्शन सी अदरवाइज। पढ़ अदरवाइज यू विल फेल नहले तुम फेल होइजबो पढ़ नहले तुम फेल होइजबो नहले सेथमे अदरवाइज बसिजबो। स्टडी एंड यू विल फेल हबो कि पढ़ एवं फेल हबो हबनी पढ़ किंतु फेल हबो ये हबो कि हेबनी कि ऑप्शन डी मध्ये हबो नाही पढ़ नहले तुम्हें फेल हबो स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। एबे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देछि माय ब्रदर इज डैश आईएएस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आन, ऑप्शन सी डन, ऑप्शन डी नन। आईएएस देखंतु आईएएस को उच्चारण करंतु कौन साउंड आछि आई आईएएस बुझि पर्छंती ताले कंस जेहेतु भावल साउंड आसुचि आई भावल साउंड आसुचि सेथि पई एठारे आन रो आर्टिकल आन रो यूज हो। ऑप्शन ए हेबनी सी हेबनी किंवा डी मध्ये हेबो नाही जदि कंसोनेंट साउंड असतांता ताले आर्टिकल ए रो यूज हेतांता। एबे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिची ही सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच नरेशन क्वेश्चन आसीगला। देखंतु रिपोर्टेड वर्ब रे सेड अछि माने पास्ट अछि सेड एवं रिपोर्टेड स्पीच को देखंतु रिपोर्टेड स्पीच रे जो वर्ब अछि कैन स्पीक कोन हिजबो कैन होची कुड रे परिणत हिजबो काहे कि ना ये पास्ट अछि सेड सेते में कुड हिजबो मॉडल भर्ब परे भर्ब फास्ट फॉर्म रही थे स्पीक से ही परिभाव रे रही जीव। ओके, ताल देखो तो कहीं ऑप्शन अच्छे कूड भी वन ऑप्शन ए रे ना ही एलिमिनेट कर दियो तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी रे ना ही एलिमिनेट करो तो ऑप्शन सी रे अच्छे कूड अच्छे ऑप्शन डी रे ना ही सेथि में ऑप्शन डी मध्ये एलिमिनेट हो गला सो यार करेक्ट आंसर ठीक गला ऑप्शन सी ही सेड दैट ही कुड स्पीक फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देछि नंदिता सेड टू नितिन कैन यू सॉल्व दिस सम नरेशन क्वेश्चन आसला अगेन। रिपोर्टेड भर्ब रे सेड अछि माने पास्ट अछि रिपोर्टेड स्पीच देखों देबे कैन यू सॉल्व दिस सम ताले कैन अछि कैन कोन हिजबो ना कुड हिजबो कुड परे भर्ब फास्ट फॉर्म रहिबो भर्ब होछि सॉल्व सेमते सॉल्व ही रहिजबो। देखों तो के ऑप्शन रे अछि एवं दिस दैट रे कन्वर्ट हिजबो
डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कला बेले दिस दैट कन्वर्ट हो जाए देखो क्योंकि दैट अच्छे रखु और दिस को एलिमिनेट कर दिंतु ऑप्शन ए रे दिस अच्छी एलिमिनेट हो ऑप्शन सी रे मध्य दिस अच्छी एलिमिनेट हो ऑप्शन बी रे अच्छी दैट ऑप्शन डी रे अच्छी दैट आउ कौन देखा ना नंदिता आक्स नितिन इफ कुड ही सॉल्व दैट सम ना नंदिता आक्स नितिन इफ ही कुड सॉल्व दैट सम देखु इफ पर प्रोनाउन बसिबो तापर भर्ब आसीजिबो इफ पर देखु ऑप्शन डी रे ही प्रोनाउन अच्छे से यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी नंदिता आक्स नितिन इफ ही कुड सॉल्व दैट सम ऑप्शन बी एलिमिनेट हो ओके एबे क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए व्हाट अम्यूज्ड यू भॉइस चेंज क्वेश्चन मुझे कौन कही आपने भर्ब को देखिए भर्ब हूँ अम्यूज्ड अच्छी मानते भिटू अच्छी भिटू थे कौन हो वाज कि वेयर प्लस भित्री हो देखु कि ऑप्शन वाज कि वेयर अच्छी रख वाज कि वेयर भित्री अच्छे देखो से ऑप्शन को करेक्ट करूँ और अदर ऑप्शन को एलिमिनेट करूँ देखो यू आर आर अच्छी एलिमिनेट हो वाच कि वेयर हे ऑप्शन बी रे वेयर अच्छी ऑप्शन सी रे वेयर अच्छी ऑप्शन बी रे देखो अम्यूज्ड अच्छी भर्ब थर्ड फॉर्म ऑप्शन सी रे मध्य अम्यूज्ड अच्छी ऑप्शन डी रे ना ऑप्शन डी को एलिमिनेट करूँ कहीं हाफ यू बीन देखिए ऑप्शन बी को देखो बाय व्हाट वेयर यू अम्यूज्ड ऑप्शन सी रे मध्य सेम देखिए ऑप्शन बी सी दुईटी जाक ठीक अच्छा ऑप्शन बी भी हम ऑप्शन सी मध्य हो टाइपिंग रे मिस्टेक अच्छी ऑप्शन बी को जदि आंसर तो जानी पाले ना भिटू थे कौन हो वाज कि वेयर प्लस भित्री जो ऑप्शन रे थी से आंसर करेंगे एमती डबल आंसर दे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन देखिए ही इज लेजी ही नेवर डज डैश वर्क ऑप्शन ए सम ऑप्शन बी एनी ऑप्शन सी नो ऑप्शन डी नन जेहतु नेवर देखिए नेगेटिव अच्छी मैंने एनी नेगेटिव को नहीं थाए से यार करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एनी ऑप्शन ए सम हमारी सम मान कि तो थी बुझे पॉजिटिव सेंटेंस रे सम रो यूज होता है और नेगेटिव सेंटेंस जेहेतु नेभर अच्छी से एनी रूज है मन रखी ने सम केउठारे यूज हो सम हूँ पोलाइट केस रे यूज हो पोलाइट रिक्वेस्ट केस रे सम रो यूज होता है किंतु नेगेटिव सेंटेंस रे एनी रो यूज होता है जमीती कि आपण मैंने मन रखी दिंतु नेभर थी जपर ये नेभर अच्छी आउ कौन थी हार्डली स्कार्सली आउट हूँ वेदर विदाउट जदि एम रही सेठे एनी रूज हे एनी केवल नेगेटिव सेंटेंस रे यूज हो नाइ एनी हूँ नेगेटिव सहित इंटरगेटिव मानते क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन करा सेंटेंस रे यूज होता है से इफ अच्छी वेदर अच्छी बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवेन देखिए द डैश फॉल्टी ऑप्शन ए इक्विपमेंट आर ऑप्शन बी इक्विपमेंट्स आर ऑप्शन सी इक्विपमेंट वेयर ऑप्शन डी इक्विपमेंट्स वेयर इक्विपमेंट रे केबे भी जेपरी फर्नीचर रे केबे भी एस लागे ना सेम थिंग इक्विपमेंट रे केबे भी एस लगभग किंतु से प्लुराल भर्ब नेब से यार करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इक्विपमेंट आर ओके आपण माने भावुथबे मन रखी नि इक्विपमेंट लगेज बैगेज फर्नीचर इत्यादि एमाने केबे भी एस नहीं न था ऑप्शन बी हेबानी सी हेबानी किंवा डी मध्य हेबना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सी वेंट टू स्कूल डैश ए स्कूटी ऑप्शन ए ऑन ऑप्शन बी विथ ऑप्शन सी बाय ना ऑप्शन डी इन तले सी स्कूल को स्कूटी रे गला तले स्कूटी रे बसिकी गला स्कूटी उपरे बसिकी गला ना बुझिपारे से एठारे ऑन प्रीपोजिशन यूज हे सी हेबानी किंवा डी मध्य हेबना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए द थिंग्स दैट मोटिवेट्स और एनकरेज समवन टू डू समथिंग जो जिनसटी मोटिवेट करे और एनकरेज करे क्या टू डू समथिंग मानते कौन से कार्यपाई जदि आपण मानक कौन सी जिनस मोटिवेट करें एनकरेज करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ताको एक पदर प्रकाश कले कौन हो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इनसेंटिव आपण मैंने जानते सैलरी सहित लोक मानक जो मैंने गवर्नमेंट जॉब करते सैलरी सहित से किसी इनसेंटिव मिलता है इनसेंटिव ही मोटिवेट एनकरेज होता काम करने ओके ऑप्शन बी हेबानी सी हेबानी किंवा डी मध्य हेबना एबे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सी राइट्स भेरी डैश ऑप्शन ए केयरफुली ऑप्शन बी केयरफुल ऑप्शन सी केयर्स ना ऑप्शन डी नन देखो यठार भर्ब अच्छी भर हूँ कौन ना राइट्स सी राइट्स भेरी केयरफुल हो सो यार करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन ए केयरफुली एटार अप्रोप्रिएट एडवर्ब हूँ केयरफुली ऑप्शन बी केयरफुल हेबानी कहीं केयरफुल हूँ गोटे एडजेक्टिव विशेषण पद केयरफुली हूँ गोटे क्रिया विशेषण पद जोटा कि एडवर्ब कहीं यार भर्ब अच्छे से किपर लिखे से बहुत केयरफुली लिखे बुझिपारे से ये हूँ गोटे एडवर्ब हो गला
ऑप्शन सी हेबो नाही किंबा ऑप्शन डी मध्ये हेबो नाही। ए क्वेश्चन अप्रोप्रिएट एडवर्ब टी जो ऑप्शन ए केयरफुली, केयरफुली होचे गोटे एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देछि ही सैट डैश द टेबल टू राइट ए लेटर, ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी विथ। ही सैट एट द टेबल टू राइट ए लेटर, से टेबल पाखरे बसिकी गोटे लेटर लिखला, एटा टेबुल पाखरे बसिकी हेबा। ओके, सैट एट द टेबुल माने टेबुल पाखरे बसिकी, सैट ऑन द टेबुल टू राइट ए लेटर हेबा नाही किंबा ऑप्शन बी हेबा नाही, सी हेबा नाही किंबा डी मध्ये हेबा नाही। आपण मानक मनरे क्वेश्चन उठतबो ऑप्शन बी काहे की एलिमिनेट हला, ऑन द टेबुल काहे की हेबा नाही, की कोन टेबुल उपरे बसिकी लेटर लिखिताय की चेयर बसिकी लिखिबो किंतु टेबुल ले बसिकी केही लिखि नथांदे लेटर, बुझि पडचोते? सेथि पय हर करेक्ट आंसर ठीक हला ऑप्शन ए एट। ओके, से टेबुल पाखरे बसिकी त लेटर लिखिला, बुझि होची? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल अर्थ होची टेबल ऊपर बसिकी, किए भी टेबल ऊपर बसिकी चिट्ठी लिखंती नाही, चेयर बसिकी चिट्ठी लिखथांदे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देछि आयरन इज द डैश ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑप्शन ए हेवी, ऑप्शन बी हेवियर, ऑप्शन सी हेवीएस्ट, ऑप्शन डी मोर हेवी। देखंतु द आर्टिकल अछि माने सुपरलेटिव डिग्री नबा, तले ऑप्शन ए बी सी डी मधर सुपरलेटिव डिग्री कोन, सुपरलेटिव डिग्री ते होची ऑप्शन सी हेवीएस्ट। आयरन इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, आयरन होची सबु एलिमेंट्स मानक थारु, तले समस्त एलिमेंट मध्यरु आयरन होची सबु थारु हेवीएस्ट। कंपैरेटिव केस रे ऑप्शन बी हेवियर हे परिबो, किंतु एठारे सबु एलिमेंट्स को सहित कंपेयर करा जाउची, सेति पई हेवीएस्ट हला, एवं आर्टिकल द होची सुपरलेटिव डिग्री नै थाय, सेति पई हेवीएस्ट हे गला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देछि डैश जनवरी इज डैश मंथ ऑफ द ईयर, ए क्वेश्चन एटा फास्ट हेबा कथा। ओके, एफ आई आर एस एटी फास्ट हेथंता, तापर एटी डैश, डैश जनवरी इज डैश फास्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी होउछि वर्षर प्रथम मास, तले आर्टिकल आमे यूज करबे ऑप्शन ए हेबा, बी हेबा, सी हेबा ना डी हेबा। कोनोसी मास पूर्वरु कोनोसी आर्टिकल यूज हेनो थाय, सेति पय हर करेक्ट आंसर टे जेबो ऑप्शन बी नो आर्टिकल एवं द। जनवरी इज द फास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ओके, ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हो जाए, ए जनवरी हेबनी कि द जनवरी हेबनी, मंथ पूर्व नो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल बसी न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो द कोणार्क एक्सप्रेस डैश पुरी एट 6, ऑप्शन ए लिव्स, ऑप्शन बी लेफ्ट, ऑप्शन सी लाइव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। लाइव तो हेबनी, लाइव माने जीवंत, ऑप्शन डी भी हेबनी, ऑप्शन ए हेबना, ऑप्शन बी हेब। एहर करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन ए लिव्स, काहेकि लिव्स हला देखो, काहेकि नै ये होची प्लांट फ्यूचर एक्शन, प्लांट फ्यूचर एक्शन प्रेजेंट सिंपल नै थै, प्लांट फ्यूचर एक्शन रे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल भाव रे यूज हेते, सेथि पय हर करेक्ट आंसर ठीक गला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लेफ्ट हबनी, काहेकि प्रेजेंट सिंपल होची लिव्स। द कोणार्क एक्सप्रेस लिव्स पुरी एट 6 AM टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देछि पॉलिटिक्स डैश इज अ डार्टी गेम, ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी ओआर, ना ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। पॉलिटिक्स अछि देखो, तो पॉलिटिक्स एस लागिछ किंतु ये सिंगुलर वर्ब नै थै, देखा जाउछि प्लुरल बोली, प्लुरल नाउन परे देखा होउछि किंतु ये एठारे सिंगुलर वर्ब यूज हो। पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एमाने सब सिंगुलर वर्ब नै थांदे, सो हर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हिजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, आज मॉक टेस्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हेयर इज माय लेफ्ट डैश, ऑप्शन ए सूज, ऑप्शन बी सू, ऑप्शन सी सूज, ना ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ताले ऑप्शन ए बी सी डी मधरु के ऑप्शन टी करेक्ट हे जीवा, एहर करेक्ट आंसर टी हे जीवा ऑप्शन बी सू, व्हेयर इज माय लेफ्ट सू, मोर लेफ्ट सू केउठारे, सू होउछि जोता। ओके, मोर बा गोडर जोता टी केउठारे अछि, ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हिजबे। तले आजर मॉक टेस्ट ए एंड हो जाइछि, जदे आपन मन को मॉक टेस्ट उठ को भल लाउ थे निहाती लाइक करिवे, चैनल को शेयर करिवे, टेलीग्राम चैनल ले मधे जॉइन हिजबे, आपन मन को समस्त क्लास रो नोटिफिकेशन मिल जिवो। ओके, थैंक यू।